मेरे संसदीय क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। मेरे संसदीय क्षेत्र में देश का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल चित्रकूट धाम एवं कालीजर का किला भी आता है, जहां प्रतिदिन हजारों पर्यटक एवं तीर्थयात्री जाते हैं, लेकिन मानवर उनको सबको बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। और जो संसदीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको तो प्रतिदिन यहाँ पर, यहाँ तक कि मरीज तक वहां नहीं पहुंच पाते हैं अस्पताल तक, और रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इतनी सड़कों की हालत खराब है। मैं लगभग एक वर्ष से यहाँ पर ये बातें उठा रहा हूँ, राज्य सरकार को भी कह रहा हूँ। मेरे यहाँ पर एक जो एडक्स है, राष्ट्रीय राजमार्ग एक है, झांसी मिर्जापुर मार्ग, उसकी हालत भी बहुत खराब है। माननीय गडकरी जी ने आदेश भी दिया लेकिन उसका भी काम शुरू नहीं हुआ है, और वो भी उसकी मरम्मत भी नहीं शुरू हुई है। और ग्रामीण सड़कों की और राज्य सड़कों की हालत तो इतनी खराब है कि अगर कहीं भी नवजात बच्चे तक वहां तक अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, और रास्ते में ही उनकी डिलीवरी हो जाती है। सैकड़ों लोग इस पे जाने जा चुकी हैं, रोज दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, गड्ढे तक नहीं भरे जा रहे हैं राज्य सरकार को और ग्रामीण सड़कों का। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इसमें जब यहां बात उठाई जाती है तो राज्य सरकार का मामला कह के टाल दिया जाता है। और मेरे यहां लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं वो जिले के प्रभारी मंत्री भी है, उनसे जब कहा जाता है तो हंस करके टाल देते हैं कि अच्छे दिन का इंतजार करिए। मानवर हम अब क्या करें, हम बात कहां उठावें। तो मेरा आपसे अनुरोध है सदन से कि राज्य सरकार से कोऑर्डिनेट करके उन सड़कों के कम से कम गड्ढे तो भरवा के ठीक किया जाए, जिससे वहां के लोगों की हालत ठीक हो सके। हरीश चंद्र मीणा जी।